a bit harder, a bit harder, yo. I'm a writer. हेलो गाइस, मैं हूं विनीत और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने मेरा जो वीडियो का शुरू में जो वीडियो देखा, ये वीडियो कैसे बनाया हुआ है, बिल्कुल आसान तरीका क्या है इसको बनाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा कोई वीडियो आएगा सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आपका कोई क्वायरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए काइन मास्टर एप्लीकेशन में। ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके 9.16 को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद से आपको मीडिया पे जानी है और दो वीडियो आपको लेके आनी है, जो ये दोनों वीडियो है। ठीक है, मैं दोनों ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये वीडियो कैसा है दोस्तों, जो मैंने टिकटॉक पे ही ये इसको शूट किया है, तो आप टिकटॉक पे ही शूट करेंगे और उसके बाद से प्राइवेट मोड में करके गैलरी टू सेव करेंगे, तो आपका ये गैलरी पे सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको एडिटिंग करना है। तो अब मैं बताता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप का मैं वीडियो शूट किया हूँ, आप देख लीजिए। एकदम नॉर्मल सिंपल चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे किया हूँ। और एक वीडियो में बिल्कुल ऐसे ही आप खड़े रहेंगे, सीधा रहेंगे, आप हिलेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरा वीडियो जो है, दूसरा वीडियो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ आएंगे, शर्ट पहनेंगे, उसके बाद से इसको ऐसे उठेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप दोनों वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये मैं यहाँ से उठ रहा हूँ, तो यहीं से हमको ज़रूरत है, तो इस वाला वीडियो लेयर पे क्लिक कीजिए और सीजर पे क्लिक कीजिए और ट्रिम टू लेफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो यहाँ से कट गया। उसके बाद से फिर इस वीडियो पे ही क्लिक करेंगे, आपको थ्री डॉट को दिख रहा होगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से यहाँ से डुप्लीकेट एक लेयर का बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको आप पकड़ के ड्रैग करके लेके आएंगे वहाँ तक जहाँ पे ये पाँव मार रहा है। ठीक है ना, वहाँ तक हमको लेके आना है। ठीक है, तो इसको एक बार प्ले करते हैं और देखते हैं कहाँ पे ये पाँव मार रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाँव मार रहा है, तो वीडियो को इस लेयर को पकड़ के यहाँ तक हमको लाना है, क्योंकि यहीं से वो पाँव मार रहा है और यहीं से लड़का खड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो वीडियो आप लेके हैं इस वीडियो लेयर पे क्लिक कीजिए और ये जो आप वॉल्यूम के पास में और सीजर के बीच में जो देख रहे हैं, इसको आप क्लिक कीजिए और ये वाला नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ये इधर में हो जाएगा। उसके बाद से इसको थोड़ा पकड़ के इधर टान लीजिए, क्योंकि ये जब खड़ा होगा तो दिखेगा, तो ये वाला टान लेंगे। और इसके बाद से ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको आप पकड़ के एरो को थोड़ा सा इधर आप कर लेंगे, ताकि और क्लियर अच्छा से आपको दिखने लगेगा, लगेगा कि नहीं एडिटिंग हुआ, बहुत ज़बरदस्त तरीका से ये लगने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ और एक बार प्ले करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं ये वीडियो लगभग आपका बन गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ बनाने में, आसानी से। एक बार मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे आए और ऐसे गए और पाँव मारे, देखिए लड़का खड़ा हो गया। ठीक है, और इससे भी करेक्ट तरीका से आपको बनाना है, जहाँ पे ये वीडियो होने के बाद इसको आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। अगर फास्ट करने के बाद इसको एक्सपर्ट करके, एक्सपर्ट करने के बाद आप लाते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही जल्दी, बहुत ही परफेक्ट तरीका से जैसे उठेगा, तो स्पीड में उठेगा। बस सिंपल है यही तरीका, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट करके स्पीड में, तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार वो वीडियो लेके आके और आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लियर डिलीट कर लेता हूँ, फिर इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब उसके बाद से वो फास्ट वाला जो है वो मैं एक बार लेके आता हूँ। तो लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाता हूँ, मीडिया पे जाने के बाद वो फाइल को मैं एक्सपर्ट किया हूँ, तो एक्सपर्ट वाला फाइल को वो ले लेता हूँ। मान लीजिए ये वाला मैं एक्सपर्ट किया हूँ। ठीक है, ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके ये बड़ा कर लेंगे। ठीक है, बड़ा करने के बाद आप देखिए, पहले आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा कि यहाँ पर ये पाँव मार रहा है, वहीं पर हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाँव मार रहा है, फिर इस वीडियो को क्लिक करेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में लेके आएंगे, यहाँ तक आपको लेके आना होगा, क्योंकि यहीं तक आपका ज़रूरत है। अब इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा पकड़ के और थोड़ा सा इधर कर लेंगे, क्योंकि ये जब खड़ा हो रहा है तो अच्छा से दिखे। ठीक है, और ये जो है आपको एडजस्टमेंट करना होगा दोस्तों, यहाँ से आपको सिलेक्शन करके और ये अच्छा से कर लेना होगा, फिर आपको ओके करना हो। और एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है इस वीडियो को बनाने के लिए। और टिकटॉक का जो आपका कैमरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ही अच्छा होता है, तो आप उससे बनाइए, ये वीडियो काफ़ी अच्छा वायरल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।